सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। मुझे वो देगी ना जो मुझे इतने सालों से तुझसे चाहिए। बोल। भला हो तेरा भोलेनाथ, कृपा है तेरी मुरली मनोहर कि आपने सही समय पर उस नाग कन्या को मेरी रक्षा के लिए भेजा। मैंने तो उसे अपनी बेटी ही मान ली। अब आपके आशीर्वाद से मेरी दो दो बेटियां हैं। कल से मैं देख रही हूँ दूसरी बेटी किए जा रहे हो और मुझे पराया फील करा रहे हो। ऐसे तो मेरी हालत कबाड़ी के डब्बे जैसी हो जाएगी, ना घर का ना दुकान। अरे नहीं नहीं, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। हाँ हाँ वही। अरे आप लोग बात की गहराई को समझो ना। बेटा, मेरे दिल में तेरी जगह हमेशा ऐसे ही रहेगी, तेरी जगह कोई नहीं ले सकता। सच्ची ना? मुरली मनोहर की कसम। फिर ठीक है, आप उस नाग कन्या को अपनी दूसरी बेटी बना, परमिशन दे दी। वैसे सोना, मेरा भी बड़ा मन है उस नाग कन्या से मिलने का, मशीन चला के। हाँ हाँ पापा, एक दिन आपको भी मिलवा दूंगी, लेकिन अभी मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। संभल के जा। अबे बिट्टन के बच्चे, एक खबर नहीं निकाली जा रही तुझसे? मैं उससे पिछले 4-5 दिनों से ढूंढ रहा हूँ, वो आखिर गई कहाँ? आइए तो बाद में बात करता हूँ। ये मेरा बेटा है मुन्ना। माला माला यहीं पर सोई थी। आंखों से वार करती हूँ, शेर के खानदान से हूँ। बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, बचाओ! माला मेरी भतीजी, बेटी कम बेटों जैसी थी। 1.5 महीना हो गया उसे गायब हुए। 19 साल की बच्ची ना जाने किस हाल में होगी। शनिवार की रात वो यही छत पर सो रही थी, लगभग रात के 12 बजे उसके चीखने की आवाज आई। मैं जल्दी से भागकर ऊपर आई, लेकिन तब तक कोई उसे ले जा चुका था। मैंने किसी को देखा तो नहीं, लेकिन एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कि बिल्ली की आवाज। ये देखिए, ये है मेरी बेटी माला। देखिए कितनी मासूम है, ना जाने किस हाल में होगी। मंजुला जी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। चाय लीजिए। नो थैंक यू, हम बाद में ले लेंगे। जहां जहां से लड़कियां गायब हुई हैं, वहां वहां से बिल्ली की आवाज आती थी। आखिरी लड़की कब गायब हुई थी यहाँ से? पिछले शनिवार को। गांव वाले आदमी ने कहा था कि लड़की शनिवार को गायब हुई थी, और माला भी गायब होने का समय लगभग 12 बजे। मर गई सोना, आज भी तो शनिवार है, मतलब गांव से आज एक और लड़की गायब होने वाली है।
सोना, सारी लड़कियां शनिवार की रात को गायब होती है। आज भी शनिवार है ना जूली? कृष्ण चलो हम एक काम करते हैं, चलो चलो हम वापस चलते हैं। हाँ यू आर राइट, सभी हादसे शनिवार को हुए, इसका मतलब आज भी कुछ हो सकता है। हाँ तो हमें यहीं रुकना चाहिए ताकि कुछ पुख्ता पता चल सके। आप चाहे तो हमारे घर पर रुक सकते हैं, हो सकता है आपके यहाँ रुकने से उलझी हुई पहेली सुलझ जाए। जी शुक्रिया। मुझे तो बहुत डर लग रहा है कृष। जूली तुम्हें भी डर लग रहा है ना? मुझे बिल्कुल भी नहीं कृष, मुझे तो लगता है आज हमारा यहाँ पे रुकने का आइडिया बिल्कुल अच्छा है। अब अगर हमें वो खबर मिल गई तो पीपी सर भी बहुत खुश हो जाएंगे, राइट? एग्जैक्टली। मुझे भी रुकना पड़ेगा, अकेली तो जा नहीं सकती ना, मुझे और डर लगेगा। घर में तो यंग लड़की भी रहती है, मतलब उसकी जान को खतरा है। बहुत हो गया चूहे बिल्ली का खेल, अब छोड़ दे इस लड़की को। चूहे बिल्ली के खेल में कौन जीतता है ये तुझे पता नहीं है क्या? ये लड़की मैं तुझे हरगिज नहीं दूंगी, ये मेरी मंजिल है और मेरी मंजिल के बीच में जो भी आएगा उसका यही हाल होगा। हट जा मेरे रास्ते से। तू ऐसे नहीं मानेगी ना, अभी अभी मजा चखाती हूँ तुझे, रुक जा। चली गई वो बिल्ली से, लेकिन मुझे अभी भी उसकी गंध आ रही है। मैं उसे सुनकर उस तक पहुंच सकती हूँ, उसका पीछा कर सकती हूँ। बिल्ली की गंध यहाँ सबसे ज्यादा तेज है, मतलब वो इसी घर के अंदर। अब क्या करूं? ऐसे ही अंदर चले जाओ। एक अनोखी रक्षा नाग कन्या, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दंगल पर।